तो दोस्तों वैसे तो बॉलीवुड की भाईजान सलमान खान की कई सारी मूवीज आने वाली हैं, वहीं अब इस लिस्ट में सलमान खान की एक और नई मूवी शामिल हो चुकी है और इस फिल्म में सलमान खान सनी देओल के साथ नजर आने वाले हैं। जी हां, दरअसल सनी देओल की अगली फिल्म सफर में एक कैमियो करने के लिए सलमान खान पूरी तरह तैयार है। सफर एक बहुत ही बड़ी हृदय स्पर्शी कहानी है। फिल्म के लीड हीरो सनी देओल है और ये एक बाल कलाकार की यात्रा को दर्शाता है जो अपने जीवन में परेशानी से गुजर रहे हैं। जब सनी देओल ने इस कैमियो के अनुरोध के साथ सलमान खान को फोन लगाया तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। घटनाक्रम से जुड़े एक करीबी सूत्र ने इसका खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सफर में सलमान खान निभाएंगे सलमान खान का किरदार। सूत्र ने आगे बताया कि सलमान खान जनवरी के महीने में अपने कैमियो की शूटिंग करेंगे। यह सलमान खान के लिए एक दिवसीय शूट है और वह सुपरस्टार सलमान खान की भूमिका निभाएंगे। उनका किरदार फिल्म में एक महत्वपूर्ण भावनात्मक मोड़ पर आता है और मुख्य पात्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सलमान खान सनी देओल के साथ शूटिंग करने के लिए बहुत उत्साहित है। सफर का निर्माण विशाल राणा द्वारा अपने बैनर एंचुलॉन प्रोडक्शन के तहत किया जा रहा है और यह 2024 में बड़े पर्दे पर रिलीज होने की उम्मीद है। सफर को समाप्त करने के बाद सनी देओल के लाहौर 1947 की शूटिंग करने की उम्मीद है, जिसके बाद वह मैत्री मूवी के साथ एक फिल्म की शूटिंग करेंगे। अभिनेता 2024 के अंत तक अपनी महत्वाकांक्षी बॉर्डर का सीक्वल भी शुरू करना चाह रहे हैं। वही बात करें बॉलीवुड के चुलबुल पांडे भाईजान सलमान खान की अपकमिंग मूवी की तो ये दबुल नामक फिल्म कर रहे हैं जो इनकी अगली मूवी होगी। इसके बाद किक टू टाइगर वर्सेस पठान, दबंग 4 और प्रेम की शादी जैसी कई सारी मूवी सलमान खान के पास है। वैसे दोस्तों आप इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डाई हार्ट फैन हैं तो ऐसी ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।